प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ज्यादातर इनको इस सरकार ने भी प्लान करना पड़ा है। जबकि आप लोगों को मालूम है कि यूपी में बीएसपी की ही अकेले कैसी सरकार रही है, चार बार जिसकी सरकार में यहाँ से बेरोजगार लोगों को पलायन नहीं करना पड़ा है, बल्कि जो पलायन करके चले गए थे वो मेरी सरकार में वापस आ गए। बड़े पैमाने पर लोगों को रोटी रोजी के साधन मिले। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब इस बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो फिर से उत्तर प्रदेश में गरीब नौजवानों को, बेरोजगारों को रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी पांचवी बार सरकार जरूर बनाएंगे। इस बार अपनी पांचवी बार सरकार जरूर बनाएंगे और इस बार पांचवी बार सरकार बनाने के साथ साथ अपनी बहन जी को पांचवी बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि आज आप लोगों की इस अपार भीड़ व भीड़ के जोश को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग बीएसपी को दगा देकर गए हैं, धोखा देकर गए हैं और अब वे सपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें आपके जिला कौशाम्बी की ऐसी सीट का एक इंद्र देवता से भी बड़ा देवता शामिल है। तो उन सभी की आज से लेकर, वैसे आप लोगों की भीड़ को देखकर, तो उन सभी की आज से लेकर वोटों की गिनती होने तक मुझे पूरा भरोसा उनकी नींद जरूर उड़ जाएगी। और फिर इस किस्म के स्वार्थी व दगाबाज लोग इस बार ये चुनाव बुरी तरह से जरूर हार जाएंगे। श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार नहीं, प्रदेश में एससी व एसटी का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी देश में पहली बार यह व्यवस्था बीएसपी की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। साथ ही माननीय कोर्ट के निर्णय की आड़ में एससी व एसटी के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन भी कर दिया गया। सपा सरकार ने ही एससी व एसटी के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म कर दिया। एससी व एसटी के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही इन वर्गों के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का भी काम सपा सरकार में किया गया। इसी सपा सरकार ने सरकारी भूमि आवंटन में एससी व एसटी को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया। साथ ही यही सरकार एससी व एसटी की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन नियम लेकर आई, जिसमें बिना डीएम की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन को खरीद सकता है, ताकि फिर इन वर्गों के लोगों की जमीन को आसानी से हथियाया जा सके।